सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल घर के सभी लोग गए हुए हैं जंगल, जहां हम लोग कल गए हुए थे। तो फिलहाल मैं घर पर अकेला हूं। तो अभी हो रहा है टाइम 11, तो मैं सोच रहा हूं कि फटाफट उनके आने तक खाना बना दिया जाए। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं आज। वैसे मैं कभी खाना बनाता नहीं हूँ, बहुत कम, कभी कभी। तो आज उन्हें पता तो नहीं है वैसे, क्योंकि वो आएंगे तो वो सोचेंगे कि जाएंगे तो तभी खाना बनाएंगे, बट उनसे पहले मैं खाना बना के रेडी कर देता हूँ ताकि वो आएँ तो खाएँ। और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो व्लॉग पे बन रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिलता हूँ आगे। तो कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रही है मेरे, तो पहले मैं कमरा साफ़ करता हूँ, उसके बाद किचन में चलते हैं और उनके लिए खाना वाना रेडी करते हैं। तो ये सेटअप काफ़ी बिगड़ा बिगड़ा सा हो रहा है, इसे साफ करता हूँ। और कपड़े भी फेंक रखे हैं ऐसी, तो इन्हें भी सफाई करनी है फटाफट। तो कमरों की सफाई कर लेते हैं, किचन भी काफ़ी गंदा हो रहा है तो किचन भी साफ कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आलू रखे हैं, तो जगह काफ़ी कम है कमरों में, इसलिए आलू हम लोगों ने यहीं पर बिछा रखे हैं। तो आलू तो काफ़ी है, तो ये आलू की वजह से किचन थोड़ा बेकार सा हो रहा है, बट कोई बात नहीं। तो इसे सब कुछ साफ करता हूँ। तो चावल भिगा के मैंने रख दिए यहाँ पे, और अब मैं काटता हूँ थोड़ा सा प्याज वगैरह। तो ये चावल भिगा दिए हैं और अब फटाफट से इनको काट लेते हैं। तो इनको काटते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ। तो भाई ये मैंने सब प्याज वगैरह काट के कर दिया रेडी। तो मैं बना रहा हूँ फिलहाल पुलाव। तो ये मेरे चावल भीग गए हैं और ये मेरा सब कुछ कट के रेडी हो चुका है, जीरा वीरा डाल दिया काफ़ी। तो उनका आने का टाइम तो हो रहा है, तो इसलिए मुझे फटाफट से ये सब करना पड़ेगा, अभी निपटाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। कर दिया मैंने तैयार, फटाफट से अपना रख दिया है। तो 5 मिनट में अभी ये पक्के रेडी हो जाता है। तो मम्मी लोग भी आने वाले होंगे, तो फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं आज, क्योंकि आज मैंने काफी टाइम बाद खाना बनाया है। तो खाना वगैरह रख दिया मैंने, चढ़ा दिया गैस पे। तो फिलहाल तब तक मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपना म्यूजिक कर लिया जाए। तो 10-15 मिनट तो लगेंगे, और बाकी मम्मी लोग के आने का टाइम भी हो गया है। तो गाइस ये अपनी बीट रेडी और सीटी आ गई है, तो मम्मी भी आ गई है, देखते हैं मम्मी क्या कहती है। चलो मिल के आते हैं। तो गाइस मम्मी आ गई है और तो मतलब खाना बनाया, खाना बना रहा हूँ इतना बड़ा कुछ नहीं, और इनको चाय चाहिए पहले, बट थक गए हम। तो तुम थके हो इसलिए तो तुम्हारे लिए खाना बनाया, मैंने सोचा खुश हो जाओगे, लेकिन गाइस ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। अरे खुश है हम, उतना तो नहीं कर दिया, हम खुश हैं, लेकिन थोड़ी चाय चाहिए हमें। देख लो, बोल के अब बोलने के बाद बोल रही है मम्मी, तो जब मैंने बोला उसके बाद बोल रही है कि अच्छा किया तूने। चलो कोई बात नहीं, खाना बना दिया इनके लिए, तो अब इनके लिए फटाफट चाय बनाता हूँ। तो ये अपना प्रोजेक्ट, मैं ऐसी बीट बना रहा था तो ये बना रखी है। तो चलो पहले इनके लिए चाय बनाते हैं, इनको चाय वगैरह पिला देते हैं। तो अब बन रही है खिचड़ी के लिए चटनी, जो कि मम्मी बना रही है। खिचड़ी मैंने बनाई, बट चटनी मम्मी बनाएगी। तो पुदीना वगैरह सब कुछ है इसमें, बन के दिखाएंगे। तो अभी बनने की उसके बाद दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अच्छे से। तो ये मम्मी मिक्सर में बना रही है आज चटनी, काफी लेट हो गए थे क्योंकि नहीं तो सिल में ही पीसते हैं हम वैसे, तो आज इसलिए बन रही है। गाइस ये अपने पुलाव बन के रेडी, तो ये सबके लिए बांट दिए, तो काफी अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में भी काफी अच्छे हो रहे हैं। मम्मी लोगों को भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो फिलहाल तो अपनी मेहनत पूरी होगी भैया, हमने जो बनाया था एकदम मस्त। तो चलो आज काफी टाइम बाद खाना बनाया, तो चलो बढ़िया ही बना। तो गाइस फिलहाल मैं अभी बस पहुंच ही रहा हूँ घर पे, क्योंकि दिन में खाना बनाने के बाद थोड़ा काम था, थोड़ा क्या काफी ज्यादा काम था, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क था, तो मैं पहले वो करके आया, तो वहाँ काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि फॉल्ट काफी लंबा था, तो इसलिए मुझे काफी टाइम लग गया। और आते आते रात हो गई है, तो इसलिए अभी शूट कर रहा हूँ और अब करूंगा। तो अभी अब हो गया सोने का टाइम, तो खाना वगैरह खा लिया है, सो जाते हैं और मैं मिलता हूँ आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में।
तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और पीछे आप लोग आवाज़ सुन सकते हो। तो अभी फिलहाल जस्ट उजाला हो ही रहा है और मैं बाहर पे आया हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आप चाय वाय पीते हैं, फटाफट चाय वगैरह बनाता हूँ, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर जाना है लाइन पे। तो चाय रख दी है, तो चाय के रखने तक, चाय के उबलने तक मैं कर लेता हूँ ब्रश, तो कि दूसरा काम भी हो जाएगा। तो जब तक चाय उबलती है तब तक ब्रश कर लेते हैं। तो फिलहाल चाय बन के रेडी हो गया, चाय पीते हैं और 6 बज गया है, तो फटाफट से निकलते भी हैं, लेट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।